ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक में आप सबका स्वागत है। शनि और केतु का मिलन हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानव जीवन पे, सब राशि पे इसका क्या प्रभाव बनेगा और हम लोग जीवन में क्या करें। एस्ट्रो तक का जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसे लगता है आपको बताएं, बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, इसे शेयर भी करें आप। मानव जीवन पे जो ग्रहों का प्रभाव है वो प्रबल प्रभाव है। ग्रहों के राजा में सूर्य को तो हम सर्वप्रथम में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अर्घ देते हैं, बल्कि जो चाल चक्र है, काल चक्र है, जो ग्रहों की गति है, जिसमें शनि के संबंध, केतु का संबंध देव गुरु बृहस्पति का साथ हुआ है। भूचक्र में बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। भू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो सबके जीवन का अंधकार को दूर कर दे, जो पूरे ब्रह्मांड को ज्योति प्रदान कर दे, पूरे देवताओं को जीवन के मार्ग जो है सुशील से सुगम बना दे, आसान बना दे, वो देव गुरु बृहस्पति में इनका मिलन हुआ है। किस तरह इनका मिलन हुआ, कैसे प्रभाव पड़ेगा आपको बताएं। मेष राशि वालों के जीवन में मंगल तो है, आप सहनशील भी बने और अपने कर्म करने के लिए पराक्रम का प्रयोग करें। आपके कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार क्षेत्र में उन्नति कराएंगे मंगल देव। स्वराशि होकर के बैठे हुए हैं और आप भाग्य स्थान में केतु के प्रभाव शुभ होने से पिता से भी कोई मंगल कामना की उम्मीद करें। पिता के घर से कोई दूरी है तो मंगल समाचार भी मिलेगा या पिता के संपत्ति से कोई नई काम की शुरुआत होगी। इसके लिए आप एक काम करें, हनुमान जी के कहीं मंदिर में अगर आप जाएं तो एक लाल फूल चढ़ाएं और भगवान को या कामना सिंदूर या चमेली का तेल, तीनों में से कोई एक वस्तु भगवान को चढ़ा करके नमन करें। आपके इस सप्ताह जो है सो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। इसके स्वामी जो मंगल देव हमारे महाराज हैं, उसमें हम संकट मोचन को पाठ कर सकते हैं, प्रणाम भी कर सकते हैं। हनुमान जी के कोई मंत्र हो, निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिने करे सन्मान, तही के कार सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, उसको आप स्मरण करें, आपका जीवन आगे रहेगा। और दान करने की प्रक्रिया में बताया कि कोई वस्तु दान करें जो स्वेच्छा करें मंदिर में जा करके। अब हमारा वृषभ राशि है, जो वृष राशि है उसमें इस ग्रह का जो मानव जीवन पे जो प्रभाव बनने जा रहा है वो प्रभाव शुभकारी है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान करें। आपके पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कुटुंबजनों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपके जीवन में कोई मित्र से शुभ संकेत मिलने का योग है। कोई मित्र आपका काम बना के देगा और कार्य के साथ साथ आपकी कुछ प्लानिंग जो है, जो रुकी हुई है, अधूरी है, वो प्लानिंग भी आपका पूरे होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रभाव आपके देव गुरु के आशीर्वाद मिल गया है इस राशि को, उस आशीर्वाद से कार्य सिद्ध होने जा रहा है। इसमें भगवान इंद्राणी के या इंद्र के हम पूजन कर सकते हैं। कैसे पूजन करें इंद्र का? इंद्र के खाली ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, अन्यथा कहीं देवी मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में चमेली का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, लाल फूल हो, वो इंद्राणी को समर्पण कर दें देवी के चरणों में और प्रणाम करें कि हे भगवती, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया और साथ में जो आपके दाम्पत्य जीवन का कर्म है उसको आप परिपूर्ण करके प्रदान करें। और इसके साथ एक और चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आपको क्या मिल जाएगा, कोई नया समाचार, घर में कोई मंगल कार्य होना होगा, शादी हो, विवाह हो, किसी बच्चों का जन्म उत्सव हो, जन्म होना हो, योग संयोग कहीं बना हो, आपके घर में बड़ा शुभ संकेत लेके आ रहा है, देवी इसमें आपको रक्षा करेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए तो पराक्रम बढ़ चुका है, क्योंकि राहु देव उच्च के हो चुके हैं। राहु के प्रभाव शुभ होने से जिसकी जन्म राशि मिथुन है वो अपने कार्य करने में अंगत के तरह पराक्रमी होगा, मने वो काम करने के लिए एक बार जब निकल जाएगा तो काम को पूरा करके आएगा। देखिए, आप लोगों को बहुत बल मिला है, बल मिलने के कारण ये नहीं है कि आप बल को कहीं दुरुपयोग करें। इसमें प्रशासनिक सेवा से आपको लाभ है, कोई सरकार से लाभ हो, कोर्ट कचहरी से लाभ हो, बल्कि बिना विचार किए, बिना स्वाध्याय किए, बिना जाने आप किसी दूसरे के बीच के झगड़े में ना पड़े,
किसी के साथ लड़ाई इत्यादि के योग जीवन में ना बनाएं, क्योंकि इस पे केतु की शनि की दृष्टि है। अगर कहीं आप जाके फंसेंगे तो वो फंसा भी देगा आपको। वक्र गति से चलने वाला एक ग्रह है, बल्कि आगे जो आपकी जीवन है, धन वाली स्थिति इसमें ठीक हो गई है, काम की स्थिति ठीक हो गई है, कहीं ना कहीं से व्यापार नौकरी में परिवर्तन का योग बना है, आपके प्रमोशन होगा, नहीं तो आपके जीवन में जो आपकी प्लानिंग है पीछे जो नहीं हो रही थी वो राहु जल्दी जल्दी करा के देगा। राहु के देने से आप प्रसन्न रहेंगे। भैरव को प्रणाम करें, बंग बटुकाए नमः, ओम भैरव देवाए नमः, या एक काला झंडा कहीं भैरव मंदिर में, शनि मंदिर में चढ़ाएं, आपके जीवन जो है सफल होगा। कर्क राशि, कर्क राशि में जो ग्रहों का प्रभाव है वो समरूप में है। समरूप में इसलिए है कि इसके स्वामी जो चंद्रमा है वो जो है सो वर्तमान समय में जो चल रहे हैं वो मीन में, मेष में, वृष में जो उनकी गति है, बुध नीच के साथ कुछ समय थे, अब निकल करके आरोही होंगे, तो उनका प्रभाव जो है सो शुभ सांकेतिक तो रहेगा, बल्कि आप किसी काम में बहुत जल्दीबाजी करते हैं। जल्दीबाजी ना करें, सोच के काम करें, समझ के काम करें, शांति से काम करें, और निर्णय लेने के समय एक बार अपने मन से शांत होकर के विचार करें। इस समय कोई लिया गया निर्णय कहीं आपको नुकसान ना करे, क्योंकि गति बड़ी तेज है, इस गति को आपको खुद को रोकना है और भगवान शिव को ध्यान करना है। कार्य आपका होगा जिसमें शिव में पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का है, ओम जटा धराए नमः। भगवान शिव के कोई भी मंत्र आप करें, या भगवान को ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, ये मंत्र भगवान शिव का है। इसमें कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, हजार नाम भगवान शिव के। अगोराए नमः, शिवाय नमः, नमो गौरीपति कार्य सिद्धि देवाय नमः का स्मरण करें। उसमें चंद्रमा की भी प्रसन्नता है, आपकी राशि के भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को जीवन जो है इसमें थोड़े तनावपूर्ण रहेगा। तनावपूर्ण इसलिए रहेगा कि आपका जो मारक ग्रह थोड़ा एक दूसरे के साथ जुड़ा है, वो थोड़ा सा उसमें सावधानी रखने की जरूरत है। आपके जो स्वामी हैं आपसे सप्तम में जा करके बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जा करके दोस्तों के साथ अनबन, दाम्पत्य जीवन में उलझन, पत्नी को कष्ट, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनहोनी का योग बना के बैठे हुए हैं, इसीलिए शांति से निर्णय लें, शांत होकर के काम करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, भगवान सूर्य का मंत्र है, सबसे बढ़िया प्यारा मंत्र है भगवान सूर्य का। या सूर्य को जब भी अर्घ दें, सप्ताह में एक दिन दें, रोज दे सके तो अच्छी बात है, लाल चंदन, लाल फूल तांबे के लोटे में रख करके और दाहिना पैर उठा के बाएं पर पे खड़े होकर पूर्व दिशा में नमन करें, आपके जो राशि का क्रूर प्रभाव है शांत रहेगा और आपका मंगलकारी बनेगा, शुभ फल देगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का भी ये जो राशि फल का जो प्रभाव है, केतु का जो इसमें प्रभाव है, इसमें स्वामी नीच के होने के कारण तनाव बना के रखेगा, मानसिक तनाव, उलझन, घर से भी उलझन, कर्म क्षेत्र व्यापार में भी उलझन। नौकरी को सावधानी से रखें, नौकरी को कभी मन के उचाटन होने के कारण छोड़ने के योग ना बनाएं, नौकरी छूटेगी तभी नहीं मिल सकती सत्ता आपको, इसीलिए नौकरी को सावधानी रखें। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ भी काम जितना हो उसमें संतोष करें, असंतोष करने के बाद माँ लक्ष्मी को आराधना करें, शुक्रवार के दिन मीठा प्रसाद लक्ष्मी को भोग लगाएं या खुद खाएं। ओम महालक्ष्मी नमः, अष्ट सौभाग्य महालक्ष्मी नमः, माँ के कोई मंत्र लेकर के श्रृंग ह्रीं श्रृंग महालक्ष्मी नमः, श्रृंग महालक्ष्मी नमः, ये कई मंत्र में बताया हूँ, कोई मंत्र इसमें से 108 बार पढ़ लें, आपके कार्य सिद्ध होगा और मन में शांति भी बनी रहेगी। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए जो ये प्रभाव ग्रह बना करके इस राशि का आया हुआ है, छोटे भाई को बड़ा कार्य करके देने वाला है। आपके छोटे भाई को बड़ा लाभ मिल जाएगा, छोटी बहन के लाभ मिल जाएगा, बड़े होने का आपका सौभाग्य जीवन में है, क्योंकि छोटी की जब उन्नति होगी तो बड़ा का मान सम्मान अपने आप बढ़ेगा, आपको राष्ट्रतंत्र से मान सम्मान बढ़ेगा, राजतंत्र में अगर जुड़े हैं तो मान सम्मान बनेगा, और आपके सांकेतिक रूप जो कर्म क्षेत्र का इसमें बना हुआ है उस कर्म में कोई लाभ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जीवन में सोच नहीं सकते।
लाभ का योग बन चुका है। बल्कि इसमें एक चीज आपको ध्यान करना है, इसमें हम माँ सरस्वती के वंदना कर सकते हैं, सरस्वती के ओम एं बागवाद नहीं नमः, सरस्वती को स्मरण करें तो आपका निरोगी काया और घर में निरोगी बाया बना रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में गुरु का प्रभाव मित्र योग बना के रखा हुआ है, तो इस राशि वालों के लिए कोई दाम्पत्य जीवन वाला व्यक्ति जीवन में, तो उसका दाम्पत्य जीवन जुड़ेगा, यानी शादी विवाह का भी योग प्रबल ग्रह बना के दिया है, वो आपस में जोड़ देगा, तय कर देगा, और आप उस चीज से दूर हैं तो आपके मधुरता भी आएगी, मिठास जीवन में आएगी, और मिठास के साथ कार्य सिद्धि होता जाएगा। इसमें आपको एक चीज छोटा सा उपाय करना है, क्या उपाय करना है कि माँ गौरी को, माँ गौरी जो भगवान शिव की शक्ति है, उस स्थान पर जा करके माँ को कोई एक लाल फल चढ़ा दें कार्य सिद्धि के लिए। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए शनि राहु की युति हो चुकी है, आप सब सावधान रहें, कोई काम निर्णय लेना है सोच के लें, क्योंकि यहाँ कभी कभी निर्णय गलत हो जाएगा। ये मंगल और दंगल दोनों करता है शनि और केतु, मंगल के लिए तो चलिए अच्छी बात है, बाकी जब दंगल शुरू करता है तो राष्ट्र में भी, समाज में भी, परिवार में भी कलह का कारण बना देगा, इसीलिए कलह ना होने दें, कलह से बचें, कलह से शांत रहें, और अपने देव गुरु को प्रणाम करें, गोविंद को प्रणाम करें, कृष्ण को स्मरण करें, नारायण को स्मरण करें, ओम दामोदराय नमः, कृष्णाय नमः, राधा के प्राण के वल्लभ जो शक्ति है उनको नमन करें, आपका कार्य सिद्ध होता रहेगा। और पीला चीज का प्रयोग खाने में करें और पहनने में करें, आपके लिए मंगलकारी बनेगा। मकर राशि, मकर राशि का जो प्रभाव है शुक्र से बलशाली है, शुक्र आपके जीवन में बहुत कुछ दे रहा है, छोटे छोटे ही भाव में दे रहा है, बल्कि अच्छा दे रहा है, शांति रखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके जीवन के लिए, और बड़ा इसलिए हो जाएगा कि आपका जो सेवेंथ हाउस है, आपके जो पार्टनरशिप है व्यापार में, काम में, पत्नी से, मित्र से, वहाँ आपके शुभ संकेतिक है, शुभ संकेतिक से कार्य होता है कि आवत हाय जाए संतोषा, कभी कभी आता है तो बड़ा हाय लगा रहता है, जाता है तो संतोष हो जाता है, इसीलिए संतोष करें। असंतोष का फल आपके जीवन में मीठा है, इसमें आप शनि के पूजन कर सकते हैं, शनि के मंदिर में तेल या काला कपड़ा चढ़ाएं, शुभकारी रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में सूर्य पराक्रम धैर्य शक्ति का कारक बना हुआ है, आपकी विजय होगी, आपको राष्ट्र में कोई लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी में आप केस को जीत रहे हैं, और साथ साथ में आपको एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो मंदिर से, धर्म से, अन्यथा किसी ऐसे न्यायालय क्षेत्र से है जो सामूहिक काम है, राष्ट्र को उससे सबको लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको एक चीज का छोटा सा उपाय करना है, वो उपाय होगा आपके जीवन में हम गणपति के चार लड्डू भोग लगा दें और प्रणाम कर लें, गं गणपते नमः, सिद्धि प्रदाय नमः। मीन राशि, मीन राशि का जीवन मंगलकारी है, बल्कि थोड़ा सा मध्यम रूप में बना रहेगा, मध्यम रूप में बनने का कारण इसके जीवन में है कि इसके स्वामी का जो प्रभाव है वो मित्र रूप में है, बल्कि साथ में जो केतु शनि का प्रभाव बना हुआ है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको रोक रहा है, तो कोई काम करें आराम से करें, शांति से करें, पेशेंस बना के रखें, और साथ में एक पीला रंग की कोई मिष्ठान हो ना तो ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, या राम मंदिर में कहीं जाएं और भोग लगा के तुलसी को समर्पण करें, घर में तुलसी की सेवा करें, अन्यथा जो आपके केले का पेड़ है उसमें हल्दी का चंदन करें, आपके कार्य सिद्धि होगी और आपका निरोगी काया भी रहेगा और आपका सबका मंगल होगा। ये सप्ताह सबके शनि केतु के प्रभाव से, जो भी ग्रहों का प्रभाव बना है, सबका मंगलकारी हो, सबका निरोगी काया हो। एस्ट्रो तक को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें और पूछे भी, कोई आपका प्रश्न है तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा। सबका मंगल हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।